बिग बॉस 16 के रनर अप रहे शिव ठाकरे इस वक्त चर्चा में हैं। एक तरफ उनका नाम खतरों के खिलाड़ी 13 के लिए सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक फिल्म का ऑफर भी है। शिव ठाकरे सीजन के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट रहे और उन्हें ही ट्रॉफी का हकदार माना जा रहा था। इस भिड़ंत में उन्हें कई टक्कर देने वाले एकमात्र प्रियंका चहर चौधरी थी, लेकिन प्रियंका टॉप 3 में भी जगह नहीं बना सकी और कम वोटों के कारण बाहर हो गई। प्रियंका ने अंकित गुप्ता के साथ बिग बॉस 16 में एंट्री की थी और शुरुआत से उन्हें जोड़ी में खेलने का फायदा मिला। हालांकि बाद में अंकित गुप्ता को घर वालों ने शो में उनके योगदान के आधार पर वोट आउट कर दिया था। अंकित गुप्ता के बाहर होने के बाद शिव ठाकरे पर आरोप लगे कि उन्होंने ही अंकित गुप्ता का इविक्शन प्लान किया। शिव ठाकरे ने अब हाल ही में सिद्धार्थ करण को दिए इंटरव्यू में इससे पर्दा उठाया। शिव ने बताया कि उन्होंने बिग बॉस 16 में अंकित गुप्ता के एलिमिनेशन कैसे प्लान किया था, साथ ही ये भी कहा कि उन्हें हर वीकेंड के वॉर में नजरअंदाज किया गया। मालूम हो कि बिग बॉस 16 में जहाँ प्रियंका का इन्वॉल्वमेंट था, वहीं अंकित इनएक्टिव नजर आते थे, इसीलिए अंकित गुप्ता को निकालने के लिए घर वालों ने रणनीति बनाई। इस बारे में शिव बोले, अंकित अच्छा इंसान था पर स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो खेलने नहीं आया था, प्लान तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब नॉमिनेशन आता है तो हर किसी को तो बचना है। जब लास्ट में टॉप 5 आते हैं तब तो हमें निकालना ही नहीं पड़ता, लोग ही निकालते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। शिव ने आगे कहा, उन्होंने भी कितनी बार मंडली को तोड़ने के बारे में सोचा, मेरा बस ये था कि अंकित इतना कुछ नहीं कर रहा है और जो भागदौड़ कर रहा है, इतना खून जला रहा है, वो बेचारा पीछे है, तो इसीलिए फिर प्लान किया कि भाई ब्रो को अब एक्सपीरियंस हो गया है तो इसे घर जाना चाहिए। इसी के साथ शिव ठाकरे से जब पूछा गया कि क्या उन्हें कभी ऐसा लगा है कि बिग बॉस 16 में वीकेंड का वॉर में नजरअंदाज किया गया हो, तो शिव ने यह बात एक्सेप्ट की और कहा, मुझे हर बार फील हुआ कि मुझे वीकेंड का वॉर में नजरअंदाज किया गया। मुझे लगता था कि यार एक लाइन तो बोलो, पर मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और बिग बॉस से ज्यादा इस गेम को कोई समझ नहीं सकता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।